हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। और अभी मैं आया हूँ दोस्तों एक वेयर हाउस में, जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे लैपटॉप ही लैपटॉप, कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लैपटॉप हैं, इधर भी चारों तरफ और भी बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स हैं कंप्यूटर्स हैं। मैं आपको सारा वेयर हाउस दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ इनका शोरूम भी दिखाने वाला हूँ, जो कि जहाँ पर रिटेल कस्टमर्स के लिए बहुत सारे मॉडल्स लैपटॉप के रखे हुए हैं, और जो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से नज़दीक में है, तो वहाँ पर भी हम जाएँगे और वहाँ पर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको वेयर हाउस दिखाऊँगा और मेरे साथ अरुज सर हैं, अरुज जी से बात करते हैं, यहाँ के बारे में देखते हैं, फिर हम चलेंगे शोरूम में। तो सर अरुज जी कैसे हैं आप? जी ठीक है सर। तो सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लैपटॉप्स की आपके पास क्वांटिटी है, तो बेसिकली ये जो लैपटॉप्स होते हैं आपके पास आते कहाँ से? ये बड़ी बड़ी कंपनी आईटी कंपनी से आते हैं, रिफर्बिश्ड होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में लैपटॉप्स वगैरह देख रहा हूँ, तो आप बल्क में भी जो सेलर होते हैं उन्हें भी आप सप्लाई करते होंगे? बल्क में भी देते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ से और रिटेल कस्टमर भी आके ले सकता है? रिटेल कस्टमर सिंगल पीस भी दे देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरीके से डेल के लैपटॉप, और इधर भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लैपटॉप वगैरह लगा हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इधर भी देख सकते हैं पूरा लैपटॉप भरा हुआ है, और यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा लैपटॉप का स्टॉक पड़ा हुआ है। इस तरीके से लिनोवो का लैपटॉप है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा लैपटॉप भरा हुआ है, और इधर भी लैपटॉप ही लैपटॉप भरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम वगैरह पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम वगैरह रखे हुए हैं, जिसमें आपको अलग अलग ब्रांड के अलग अलग क्वालिटी के कंप्यूटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर भी कंप्यूटर रखे हुए हैं और इधर भी बहुत सारे कंप्यूटर आप देख सकते हैं जिसमें, और लैपटॉप्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कार्टन्स में बहुत सारे लैपटॉप्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि कुछ बाहर से आए हुए हैं और कुछ बाहर भेजने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको हर तरीके के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लैपटॉप्स वगैरह पड़े हुए हैं। और अभी मैं आया हूँ द क्रिएटर लैपटॉप, TCL लैपटॉप कंपनी में, जहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे वैरायटी के लैपटॉप्स। आपको यहाँ पे मैकबुक्स मिल जाएंगे, मैकबुक प्रो मिल जाएगा, लैपटॉप्स मिल जाएंगे हर ब्रांड के लैपटॉप्स, और आपको लैपटॉप्स के अलावा आपको ऑल इन वन PC वगैरह मिल जाएंगे, मॉनिटर्स मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी सर, हमारी कंपनी है द क्रिएटर लैपटॉप TCL के नाम से। ये दिल्ली प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के पास इसका रिटेल काउंटर है और हेड ऑफिस है इसमें पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में। तो सर यहाँ पर हमारे पास आपके पास क्या क्या मिलने वाला है? सभी वैरायटी के लैपटॉप मिल जाएंगे, डेस्कटॉप मिल जाएंगे, LCD कीबोर्ड मॉनिटर जो भी चाहिएगा सब अवेलेबल है। तो जैसा कि हमारी जो वीडियो को पूरे इंडिया से लोग देखते हैं, अगर बाहर से कोई लोग देख रहे हैं तो उनके लिए क्या यहाँ से कुरियर वगैरह हो जाएगा? जी कुरियर हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी करा देंगे, कुरियर चार्ज वो पहले पे करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उनका वो पार्सल जो है डिस्पैच कर देंगे, तो वहाँ पे पे करके अपना वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ आमिर भाई हैं जो कि हमें यहाँ पे लैपटॉप दिखाने वाले हैं। तो आमिर भाई यहाँ पे कहाँ से कितने प्राइस से स्टार्टिंग होने वाली है? हमारे पास 7,500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है लैपटॉप जी, और उसके अंदर मिलेगा आपको कोटोडियो होगा, 2 GB रैम होगी, 160 GB हार्ड डिस्क होगी। लैपटॉप में दिखा देता हूँ आपको कैसा होगा, क्या कंपनी का होगा। ये लैपटॉप होगा 7,500 में जो आने वाला है, ये डेल का लैपटॉप होगा, कंडीशन आप देख लो, 7,500 में आएगा, कोटोडियो लैपटॉप होगा, 2 GB रैम होगी, 160 GB हार्ड डिस्क होगी। इसके बाद आ जाएगा और कोटोडियो में कोई मांगते हैं हमें अच्छा चाहिए वो मिल जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9,000 रुपये का, 4 GB रैम होगी, 250 GB हार्ड डिस्क होगी, कोटोडियो होगा, ये भी प्रोसेसर इसका कोटोडियो होने वाला है, कंडीशन आप देख लो लैपटॉप की, HP कॉम्पैक हो। इसके बाद एक लिनोवो में मिल जाएगा i3, 4 GB रैम होगी, 320 GB हार्ड डिस्क होगी, i3 फर्स्ट जनरेशन का ये लैपटॉप होगा जिसका प्राइस होगा 12,500 रुपये, लिनोवो थिंकपैड। इसके बाद मैं आपको i3 का सेकेंड जनरेशन दिखा देता हूँ जो कि 13,500 का आएगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए HP का होगा, i3 का सेकेंड जनरेशन होगा,
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका i3 का सेकंड जनरेशन लैपटॉप है और इसकी स्क्रीन साइज क्या होने वाली है? ये 14.0 14 इंच का इसका साइज होगा, 13,500 का मिल जाएगा, 4 GB रैम होगी, 320 GB हार्ड डिस्क, i3 का सेकंड जनरेशन। बहुत बढ़िया। और आमिर भाई हमें एक चीज और बताइए, अगर जैसे आपने बताया इसमें 320 GB हार्ड डिस्क है, जी जी, अगर किसी को हार्ड डिस्क की जगह SSD लगवाना हो तो? वो बिल्कुल लग जाती है, जो भी प्राइस होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, उन्हें कितने GB की चाहिए, जो भी उसका प्राइस होगा वो उन्हें पे करना होगा, सिर्फ सर्विस चार्ज कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप क्या दिखाने वाले हैं? उसके बाद मैं आपको i5 का फर्स्ट जनरेशन दिखा देता हूँ, डेल का। ये देख लीजिए आप, डेल का होगा, i5 का फर्स्ट जनरेशन होगा, 4 GB रैम होगी और 320 GB हार्ड डिस्क होगी। ये इसका प्राइस मिल जाएगा 14,000 रुपये ओनली। इसके अलावा HP में और दिखा देता हूँ i5 का फर्स्ट जनरेशन। अलग अलग कंपनी के होते हैं, प्रोसेसर सेम होगा, डेल मिल जाएगा, HP मिल जाएगा, लिनोवो मिल जाएगा, ये आ जाएगा i5 का फर्स्ट जनरेशन HP का। तो इसका आगे सेम प्राइस रहेगा, 4 GB रैम रहेगी, 320 GB हार्ड डिस्क होगी। कस्टमर चाहे बढ़वाना चाहे बढ़ सकती है, जो भी प्राइस होगा वो उन्हें बता दिया जाएगा। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको i5 का सेकंड जनरेशन, क्योंकि जनरेशन वाइज चल रहे हैं, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी पैसे बढ़ जाएंगे। ये HP का आएगा, i5 का सेकंड जनरेशन, 4 GB रैम होगी, 320 GB हार्ड डिस्क होगी, प्राइस रहेगा 15,500 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका i5 इंटेल और विंडोज 7 का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है और लैपटॉप काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, स्क्रैचलेस पीस होगा। ये देख लीजिए आप, ये लिनोवो का है, ये भी i5 का सेकंड जनरेशन है, कंपनी अलग है। इसका क्या प्राइस होने वाला है? प्राइस सेम रहेगा, 15,500 रुपये, 4 GB रैम, 320 GB हार्ड डिस्क रहेगी। वो HP का था, ये लिनोवो का होगा। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएंगे हाई कॉन्फ़िगरेशन, i5 का फोर्थ जनरेशन होगा, 4 GB रैम होगी, 160 GB SSD होगी। तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका प्राइस रहेगा 24,000। इसमें हार्ड डिस्क नहीं रहेगी, SSD डली हुई है, SSD जो कि फास्ट होती है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं SSD वाले लैपटॉप भी आपको दिखा रहे हैं, अगर आपका आपको थोड़े फास्ट लैपटॉप चाहिए तो इस तरीके के लैपटॉप आप ले सकते हैं। इसके बाद वो दिखाया था आपको 12.5 इंच का था, ये 14 इंच का दिखा देता हूँ। i5 का फोर्थ जनरेशन होगा, 4 GB रैम होगी, 500 GB हार्ड डिस्क होगी, ये भी आपको 24,000 में मिल जाएगा। उसके बाद HP में मिल जाएगा i5 का सेवन जनरेशन होगा, सेवन जनरेशन होगा, 8 GB रैम होगी और 1 TB हार्ड डिस्क होगी। तो ये तो काफी अच्छी कंडीशन का लैपटॉप है। दोस्तों मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, ये आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में लैपटॉप है, इसका कीज वगैरह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोर i5 सेवन जनरेशन का लोगो लगा हुआ है और लैपटॉप काफी अच्छी कंडीशन में है। तो एक बार इसका मुझे पन्नी निकाल के दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी पन्नी हटा दिया है, काफी आप इसके स्क्रीन वगैरह की क्वालिटी आप देख सकते हैं, वेब कैमरा वगैरह सारा कुछ, और यहाँ पे HP का लोगो लगा हुआ है। इस तरीके से आपको i5 7 जनरेशन के हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप भी मिलने वाले हैं। इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस रहेगा 38,000। i5 का 7 जनरेशन, 8 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क के साथ। 1 TB, तो इसमें तो विंडोज जी विंडोज प्री लोडेड होगी, विंडोज हम डाल कर देंगे, विंडोज 10 वगैरह इसके अंदर होगी, जो भी कस्टमर को सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए वो सपोर्ट हम पूरी देंगे। उसके बाद कस्टमर मांगता है हमें बड़े साइज में चाहिए, ये जितने भी दिखाया आपको 14 इंच के थे, कस्टमर मांगता है हमें 15.6 चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कस्टमर जैसे मांगते हैं हमें 15.6 साइज में चाहिए, ये हमारे पास अवेलेबल है, डेल का पीस होगा, आप देख सकते हैं कंडीशन इसकी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है? i7 का 6 जनरेशन होगा, 8 GB इसकी रैम होगी और 256 GB SSD होगी। अलग से इसमें ग्राफिक भी है, नॉर्मल ग्राफिक भी होगा और अलग से भी AMD ग्राफिक होगा 2 GB का। तो इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है? इसकी प्राइस रहेगा 38,000 का। 38,000 जी। तो अच्छा आमिर भाई हमें एक चीज़ और बताइए, जो बाहर से अगर कोई मंगवाता है तो उसके लिए आप कुरियर करवा देते हैं? बिल्कुल सर, करवा देते हैं। और अगर कोई COD अगर हम करवाना चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी? कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, जो भी उनका अमाउंट होगा उसका 10% उन्हें डालना है प्लस कुरियर चार्ज, तो उनके पास पीस पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहां से आप COD भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको जो भी टर्म कंडीशन है वो आप फोन से डिस्कस कर सकते हैं और आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और इसके बाद अभी क्या दिखाने वाले आमिर भाई? इसके बाद एप्पल में वगैरह बहुत डिमांड आती है, तो एप्पल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एप्पल के मैकबुक और मैकबुक प्रो वगैरह हमें मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया क्वालिटी के लैपटॉप्स वगैरह, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा
एप्पल मैकबुक प्रो 2012 का मॉडल होगा, i5 और 4GB इसकी रैम होगी और 500GB इसकी हार्ड डिस्क होगी। ठीक है जी, इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका प्राइस रहेगा 29,000। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये मैकबुक प्रो है और ये आपको 29,000 में मिलने वाला है। इसके बाद और ये होंगे आपके पास? इसके बाद इसी का अपग्रेड मॉडल दिखा देता हूँ मैं, ये वो थोड़ा स्लीक होगा इससे। ये मैकबुक प्रो होगा 2015 का मॉडल, 2015 का मॉडल। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? i5 है और 4GB रैम होगी इसकी, 256GB SSD होगी। बहुत बढ़िया। और दोस्तों देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल स्क्रैच लेस है और इस तरीके के आपको मैकबुक प्रो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका प्राइस रहेगा 43,000। ठीक है जी। और इसके अलावा और भी कुछ? इसके बाद एप्पल में कोई अगर मांगते हैं हमें एडिटिंग वगैरह करनी है, साइज़ बड़ा चाहिए, मैकबुक भी होना चाहिए, एप्पल का होना चाहिए, तो ये मिल जाएगा। 15.6 साइज है इसका, 2015 का मॉडल है, i7 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको i7 में भी आपको मैकबुक प्रो मिल जाएगा और जो कि आपको 16GB रैम, जिसमें आप अपने बेसिक एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये 2015 का मॉडल होगा, 2015 का i7 होगा, 16GB रैम होगी और 500GB SSD होगी। 500GB SSD के साथ इसका प्राइस होगा 65,000। और एक चीज हमें और बताइए आमिर भाई, जैसे यहाँ पे जो भी आप लैपटॉप बता रहे हैं इनकी कोई गारंटी वारंटी भी होती है? सर सभी पर 1 मंथ टेस्टिंग वारंटी होती है और 6 मंथ की हम सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं। यहाँ से कुछ भी कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो बिल्कुल आए हमारे पास। वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं वो भी हो जाएगी, उसके जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो बता दिए जाएंगे। हमारी तरफ से 1 मंथ रहती है टेस्टिंग वारंटी, सभी लैपटॉप पर 1 घंटा हम वारंटी रखते हैं, बैटरी बैकअप की भी, वैसे ज़्यादा निकलती है, बस हम अपनी तरफ से वारंटी रखते हैं 1 घंटा। 1 घंटे से अगर कम होता है तो वो भी हम चेंज करके देंगे 1 मंथ के अंदर। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल होते हैं ऑल इन वन डेस्कटॉप, जैसे कस्टमर मांगता है हमें वो कैबिनेट नहीं चाहिए, तारों का झंझटबाजी रहती है, ये ऑल इन वन है, टच में होगा, देख लो आप, देख सकते हैं ये टच स्क्रीन होगा सारा, ऑल इन वन होगा, AMD। ये टच स्क्रीन में है जी, ये एक बार आप दोबारा दिखाएंगे? देखिए तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑल इन वन में भी टच स्क्रीन का मिल जाएगा, जो कि आप रिसेप्शन वगैरह में के लिए आप ले सकते हैं, जो रिसेप्शन में इस तरीके के कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया एक बार? ये HP का होगा ऑल इन वन, इसका AMD होगा, AMD प्रोसेसर होगा, 4GB रैम होगी और 500GB हार्ड डिस्क होगी। बहुत बढ़िया। इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस सर 15,000 रुपये रहेगा। 15,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास? उसके बाद हमारे पास और ऑल इन वन मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा i5 सेकंड जनरेशन होगा, 4GB रैम होगी, 500GB इसकी हार्ड डिस्क होगी, ये भी मिल जाएगा, ये लिनोवो में होगा। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला? इसका प्राइस रहेगा 14,000 रुपये, 14,000। अगर किसी को भी ये लैपटॉप चाहिए, हम वीडियो देख कर आ रहे हैं, लैपटॉप चाहिए, वो हमें इंक्वायरी दे सकते हैं फ़ोन पर, व्हाट्सअप पर भी अपना ऑर्डर पिक करा सकते हैं, बता सकते हैं हमें कि हमें ये वाला पीस चाहिए, और अगर आकर देखना चाहें तो आ सकते हैं, प्रीत विहार गेट नंबर 3 के पास है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास हमारी शॉप है, वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट का रास्ता होगा, यहाँ आकर चेक करें, आराम से चेक करें, प्रॉपर चेक कर लेकर जाएं, चार्जर वगैरह हम लैपटॉप के साथ देते हैं, बैग भी देते हैं, ये वो लेकर जाए, रिटेल काउंटर है ये हमारा। अगर सिंगल पीस आपको चाहिए तो हम यहाँ से दे देंगे, अगर आपको बल्क में चाहिए तो बल्क में भी आपको मिल जाएगा, वेयर हाउस से हम आपको अवेलेबल करा देंगे पीस। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके के आपको यहाँ पे मैकबुक वगैरह मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लगे हुए हैं मैकबुक वगैरह, और यहाँ पर आपको हर कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डिटेल्स ले करके फ़ोन कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दिखाया बहुत सारे तरह के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और मैकबुक वगैरह, अगर आपको इनमें से किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे फ़ोन करके इनसे यहाँ पे आके परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आके खुद ही देख करके जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके तरीके से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ये जो शॉप है ये प्रीत विहार में है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में है, और इनका जो वेयर हाउस है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वेयर हाउस है इनके पटपड़गंज एरिया में, जहाँ से होलसेल में जो बल्क क्वांटिटी में खरीदने वाले लोग हैं वहाँ से ले सकते हैं, और रिटेलर के लिए इन्होंने ये इतना बढ़िया सा शोरूम बना रखा है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।